हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आया हूं अपने ही घर के पास में ही, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक नवाब साहब थे, उनकी एक यहां पर कोठी थी जो कि पिछले 100-150 साल से एक खंडर पड़ी हुई है। और अब यहां बताते हैं, जैसे भानगढ़ का किला सुना होगा और भी भूतिया जगह सुनी होंगी, तो बताते हैं कि यहां पर भी भूतों का वास है और ये बहुत ही डरावनी जगह बन गई है, हॉन्टेड प्लेस है ये। और अभी मैं यहां आया हूं, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स आए हुए हैं, चीकू और नीरज जो कि मेरे पीछे खड़े हुए हैं। देखो आप, हम तीनों यहाँ मिलकर इसमें ये देखने आए हैं कि इसमें ऐसा कुछ है या केवल ये अफवाह है। और अभी हम इस कोठी के अंदर जाएंगे, ये जो हवेली बनी हुई है, यहाँ पर नवाब साहब रहते थे और उनकी फैमिली रहती थी। इसका एक पार्ट है, यहाँ से इनके एक बड़े भाई थे, मैं इनका नाम नहीं जानता, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 150 साल पुरानी बात होगी। यहाँ जो बुज़ुर्ग रहते हैं, जो मुझे मिले, मैंने उनसे भी जानकारी ली, उन्हें भी इस विषय में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। फिलहाल मैं आपको ये जगह दिखाने आया हूँ कि यहाँ पर क्या है और कैसी बनी हुई है ये हवेली। इनके बड़े भाई थे, उनकी कोठी यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है, धर्मपुर के अंदर ये कोठी बनी हुई है और धर्मपुर डिवाई के पास में आता है जो कि जिला बुलंदशहर में पड़ता है। चलिए अब मैं इसमें अंदर चलता हूँ और अंदर चल के दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। दोस्तों, ऊपर इस हवेली पे पेड़ उगाया है नीम का, इतना पुराना जर्जर स्थिति हो गई है इसकी। और यहाँ मैं अपनी बाइक से आया हूँ और ये पूरी खंडर में बदल गई है। इसमें ऊपर देख रहे हैं आप, गाटर लगे हुए हैं लोहे के, और ये करीब लगभग 30 फुट के ऊपर अप्रोक्सीमेट, इसका ऊपर का ये जो लेंटर है ये 30 फुट के करीब पड़ा हुआ है। और वहाँ पर ऊपर स्टेयर्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ, और एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरफ, ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये इसका मेन गेट है और मेन गेट से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। आओ भाई। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ आपको कि ये जो दीवारें हैं ये इतनी मोटी हैं, देखिए इनकी चौड़ाई, देखिए लगभग 4 फुट की चौड़ाई है, 3.5 से 4 फुट की चौड़ाई है इसकी, इतनी चौड़ी दीवारें हैं। और ये अकेली नहीं दिखा रहा, आप कोई सी भी दीवार देखोगे वो इतनी ही चौड़ी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर भी। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये जो दीवार बनी हुई है, पहले यहाँ सीमेंट वगैरह तो होते नहीं थे, ये दीवार जो बन रही है ईंट लगी हुई है, और इन ईंटों के बीच में मूंग की दाल और चूना से बनाई जाती थी, और ये इतने मजबूत होती थी कि ना 100-100 साल निकल जाती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और यहाँ पर इसके देखिए कितने इसमें रास्ते बने हुए हैं अलग अलग जाने के लिए, एक इधर बना हुआ है, एक इस साइड बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। और चलिए अंदर चलते हैं इसके। इसमें ऊपर इतनी चमगादड़ हैं दोस्तों, इसमें हजारों की संख्या में चमगादड़ हैं, अगर आपको दिख रही हो तो। वो पूरा खंडर बन चुका है और इसमें सबसे ऊपर एक गाटर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये इतना हैवी गाटर है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, नीचे पूरे में इसमें बीट पड़ी हुई है। आइए थोड़ा अंदर और चलते हैं, ये ऐसा ना हो कि ये चमगादड़ अटैक ही कर दे मेरे ऊपर। और बड़ा डरावना दृश्य है यहाँ का, इसमें चमगादड़ ही चमगादड़ है चारों तरफ, और इसमें इतने सारे गेट बने हुए हैं दोस्तों। ये जो इमारत है इसे देख रहे हो आप, जब ये लोग पहले बनाई होगी इन्होंने, तो इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत तरीके से तैयार करा हुआ होगा, बहुत ही सुंदर बनी हुई है अंदर से। बस इसको अब यहाँ कोई रहता नहीं है, इसकी केयर नहीं हुई, इस वजह से ये थोड़ी जर्जर हो गई है। इसके पीछे इधर जो कमरे बने हुए हैं दोनों तरफ, और इसके पीछे चल रहे हैं, और इसके पीछे का आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे थोड़ा सा यहाँ पे अंदर खुला हुआ है और पीछे की तरफ कमरे भी बन रहे हैं। ये इस तरफ शायद हो सकता है इधर राजा महाराजाओं का रहने का अपना स्थान हो, या हो सकता है इस तरफ वो अपने घोड़े वगैरह या और कुछ एनिमल्स वगैरह रखते हों, तो इसलिए ये इतना खाली बना रखा होगा उन्होंने। और पहले जो बनाते थे वो बड़े तरीके से बनाते थे, कि सामने हवेली है जिसमें से हम आए थे, अभी इसके ऊपर भी जाएंगे हम, यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनमें से होकर। और दीवारें सारी तोड़ दी हैं यहाँ के लोगों ने दोनों तीनों तरफ से, क्योंकि इसमें शराबी और जो आवारा टाइप के होते हैं वो शाम को आगे यहाँ ड्रिंक वगैरह करते होंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी बोतलें पड़ी हुई थी।
दोस्तों ये देखो पीछे की तरफ एक यहाँ पर कमरा बना हुआ है, आइए मैं इसमें आपको इस कमरे में दिखाता हूँ। और इस कमरे में भी अब यहाँ काफ़ी ईंटें पड़ी हुई हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, एक डर भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं ये गिरी पड़े क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। और देखिए यहाँ भी गाटर लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और पीछे ये यहाँ पर आले बने हुए हैं, इन्हें आले बोलते हैं, ये इसमें सामान वगैरह रखने के लिए। अभी जैसे अलमारी वगैरह हम लोग घर में अपने में फर्नीचर का बनवा लेते हैं, ड्रॉर वगैरह, तो ये पहले के थे जिनमें सामान रखा जाता था, ऐसे गुम्मट टाइप के बना दिए जाते थे। और इसके अलावा मैं आगे दिखाऊँ आपको, और यहाँ देखते हैं क्या है। ये क्या है यहाँ पे, ये कुछ बना हुआ, या तो ये बाथरूम होगा या फिर ये उनकी हो सकता है, या पखाना हो वॉशरूम लेटरिन वगैरह। इस बिल्डिंग के पीछे खेत हैं लोगों के अपने, और ये दीवार भी तोड़ दी है क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी मोटी दीवार देख रहे हैं आप, ये खुद से तो गिरेगी नहीं, ये गिराई गई होगी। और इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो पुराने ज़माने की ईंट है, जो जिनकी मोटाई कम है। और ये देखिए ये मूंग की दाल और चूना से बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह नहीं लगी हुई है, और ये इतना मजबूत होता है कि इससे सालों साल दीवारें खड़ी रहती हैं। अब इसमें हम चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, क्योंकि इधर तो सारा टूट फूट हो चुकी है। इसमें ये देखिए अलमारी बनी हुई है, इसमें हवेली में देखिए कितनी घास फूस है, कितना यहाँ पे खड़ा हुआ है कूड़ा कचरा। और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, मैं निकल के जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ बना हुआ है, गुफा टाइप की है ये। इसमें बताते हैं कि अंदर सुरंगें भी थी, और सुरंगें कहाँ पर बनी हुई है ये मुझे नहीं पता है। आगे चीकू और नीरज चल रहे हैं दोनों, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ये, और सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आगे हम दोस्तों ऊपर, और यहाँ की छत भी बारिश में ऐसी हो रही है जर्जर। ये छत से ऊपर का व्यू है, वह पहले हम वहां खड़े हुए थे। तो दोस्तों अभी मैं छत पे आ चुका हूँ ऊपर, और ऊपर से आप देखिए मेरे पीछे भी मैं थोड़ा सा इस तरफ चल रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जो छत है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो मैं कॉर्नर पे ही रहूँगा। आप यहाँ से देखिए यहाँ का पूरा ऊपर से जो व्यू आ रहा है हवेली का। अभी हम वहाँ थे, वहाँ से फिर हम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आए। आइए चलिए उस तरफ चल रहे हैं, और उस तरफ से दिखाता हूँ ऊपर से हवेली का, और ऊपर क्या क्या बना हुआ है। दोस्तों मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ, और देखिए यहाँ पे जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो इस तरीके से बनी हुई है, और सीढ़ियाँ दोनों तरफ बनी हुई हैं इससे ऊपर जाने के लिए भी। और यहाँ पर एक बरामदा टाइप का बना हुआ है, हो सकता था यहाँ पे पहले राजा महाराजा ऊपर हवा लेने आते हों, या महारानी वगैरह होती होंगी वो भी आती होंगी। काफ़ी पुरानी जगह है तो लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर कोई भी भूत वगैरह नहीं है, वो चमगादड़ वगैरह हैं, इसलिए यहाँ पर उसे भूतिया बंगला बोलते हैं। अभी नीरज भी ऊपर जा रहे हैं और मैं भी चलूँगा। काफ़ी पतली सीढ़ियाँ हैं और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बीच में मत घूमना। दोस्तों अभी हम हवेली के सबसे ऊपर टॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ से देख रहे होंगे आप मेरे पीछे का नज़ारा, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो। वहाँ पे रास्ता है रोड, मेन रोड, ये रोड गणेशपुर से डिवाई के लिए जाता है, और इसी रोड के किनारे ये हवेली बनी हुई है। इस हवेली को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं तो एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, और पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, बहुत पुरानी हवेली है ये। हवेली जो है ये धर्मपुर में है, धर्मपुर डिवाई में पड़ता है, डिवाई जिला बुलंदशहर के अंदर आता है।
और आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में नई मस्ती के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।